हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं मैथ फॉर न्यूज़पेपर्स पार्ट 13 के साथ। तो पहली स्लाइड में हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ डू अटेम्प्ट देम मॉडल आंसर्स को देखने से पहले। और हम जो मॉडल आंसर्स देते हैं वो सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने के लिए है। ठीक है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा आप डिलीट कर सकते हैं। आइडिया सिर्फ ये है कि आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंटेंट के साथ कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, हम वो बता रहे हैं। हो सकता है आपका आंसर इससे बेटर हो और आपको ज़्यादा नंबर मिले UPSC में। सो देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्रोइंग कंजर्वेटिज्म एंड राइट विंगिज्म इन इंडिया आर टार्निशिंग इट्स फंडामेंटल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एग्जामिन। अभी जो हमारा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक काफ़ी गिर गया है। सो उस वजह से हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो अब ऐसा कहा गया है उस आर्टिकल में कि कंजर्वेटिज्म बढ़ रहा है, राइट विंगिज्म बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी खतरे में है। तो देखते हैं, पहले आप थोड़ी तारीफ़ कर देंगे कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वी हैव वेलफेयर स्टेट, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट सुफ्राज एंड दे हैव एक्चुअली स्ट्रेंथन द इंडियाज क्लेम्स फॉर अ सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। बट देर हैव बीन वेरियस डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स विच हैव एक्चुअली चैलेंज्ड द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, जैसे कि राइजिंग फंडामेंटलिज्म। ठीक है, क्या है रिलीजियस फैनाटिसिज्म, ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़, दे आर गेनिंग क्रेडेंस। ठीक है, और जो वैल्यूज़ क्लेम करते हैं हम कि हमारी डेमोक्रेसी में है, जैसे टॉलरेंस, म्यूचुअल कोएक्सिस्टेंस, एम्पथी, दे आर गेटिंग थ्रेटेंड। इंसिडेंसेस ऑफ काओ विजिलेंटिज्म, लव जिहाद, कंसर्न्स ओवर टेररिज्म, आप इसमें एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। कंजर्वेटिज्म है, देखिए एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो बड़ी है एंड दे आर रिलेटेड टू मॉडर्न वैल्यूज़। बट ऐसा माना जाता है, काफ़ी आयरॉनिकल है, कि जो एजुकेटेड सेक्शंस हैं वो भी कभी कभी प्रमोट करने लग जाते हैं रिग्रेसिव वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ को। और पॉलिटिकल क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पेट्रनाइज करते हैं। सो दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी इफ़ अ सेक्शन अमंगस्ट पॉलिटिकल क्लास इज ट्राइंग टू पेट्रनाइज सच वैल्यूज़। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एक डेमोक्रेसी में। तो अगर उस पर अटैक होगा, ठीक है, so that is obviously going to threaten the democracy. ठीक है, so this is attack, they are getting undermined over concerns over hyper nationalism, ultra nationalism is on the rise. ठीक है, hyper nationalism is, कहते हैं ना nationalism एक अच्छी चीज़ है, but hyper nationalism is not right. ठीक है, आप अपने देश के खिलाफ जो अगर कोई सरकार है वो कुछ गलत कर रही है, अगर आप उसको criticize भी नहीं कर पा रहे हो, so that is very wrong, right? राइट, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, उसके बाद कल्चरल, हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक डोमेन्स तक, है ना, आप ले लीजिए कि सबवर्ट करें या खतरे में है बाय द फ्रिंज एलिमेंट्स, जिसकी वजह से मसलिंग एंड स्टिफलिंग ऑफ स्पीच इज़ देयर। देन लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स, राइजिंग कंसर्न्स क्या है, क्राइम बढ़ रहा है, वैंडलिज्म के इंसिडेंट्स हैं, आपने कितने सारे देखे होंगे, है ना, कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वैंडलाइज हो जाती है, वुमेन सिक्योरिटी इज़ एन इशू। सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो अनहेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी। Then the politicization of the police, the security agencies also tends to increase the problems. Then the attacks over journalists, the deaths over journalists is actually endangering the fourth pillar of democracy, which is media, right? उसके बाद inequality divide. देखिए inequality divide है कि जो development हो रही है हमारे देश में that is not shared by all. ठीक है, so we cannot call it inclusive development. Oxfam report ने इसको बोला है कि 1% of Indians के पास इंडिया की 73% of wealth है। तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा inequality है हमारे देश में। so what we need to do, we need to obviously introspect, हमें सोचना है हम क्या गलत कर रहे हैं, and we need to do course corrections. ठीक है, और ये जो index है आप इसको भी quote कर सकते हैं कि ये भी हमें यही बताता है कि we need to make course corrections. ओके, रेडिकल एंड फ्रिंज एलिमेंट्स, दे आर ऑन द राइज, दे आर कटिंग अक्रॉस पार्टीज, रिलीजन, कास्ट, एंड दे हैव टू बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। एंड द पॉलिटिकल क्लास ऑल्सो हैज टू डेमोन्स्ट्रेट स्टेटमेंटशिप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन दे हैव टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, जस्टिस, सो दैट आर, यू नो, सो दैट आर डेमोक्रेसी इज नॉट जेपर्डाइज्ड, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। देखो साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है कि जब इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे आर हेल्ड एट वंस। देखो जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे 1952 में, कहा जाता है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही थे, बट विथ टाइम 1967 ऑनवर्ड्स ये साइमल्टेनियस नहीं रहे, राइट? ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली इशू है। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, देखो
पॉजिटिव्स में ये कहा जाता है कि जो इंडिया साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ये पॉजिटिव है कि इंडिया पेरिनियली इलेक्शन मोड में ही है, तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाएंगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी गवर्नेंस में. कैसे? क्योंकि हर कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शंस के इलेक्शंस हैं या कभी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, ठीक है. सो उससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, ठीक है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो गई, दे आर ऑल जेपरडाइज, ठीक है. गवर्नेंस प्रोसेस जो है वो उसको इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली, तो वो कम होगा. उसके बाद मैसिव एक्सपेंडिचर. देखो, इलेक्शन अगर करवाता है हमारी कंट्री में कहीं भी होते हैं, सो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉस्ट, तो वो कम होंगी अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाएंगे. उसके बाद जो आप ले लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, वो भी बहुत पैसा खर्च करती हैं हर एक बार इलेक्शंस करवाने में, तो वो कम होगा, राइट. उसके बाद हम ये कह सकते हैं MCC इम्पोज हो जाता है, तो जो जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं दे आर पुट ऑन होल्ड, राइट. अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो MCC का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी. मोर ओवर, अगर एक साल में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट के पास 4 साल है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास 4 साल है कि वो डेवलपमेंट काम करे, ठीक है, सो दे कैन फोकस ऑन गुड गवर्नेंस. सो साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल इंटेन मोर टाइम फॉर द पॉलिटिकल वर्क. देन उसके बाद एसेंशियल सर्विसेज भी इम्पैक्ट होती हैं, जैसे कि रैलीज होती हैं तो ट्रैफिक प्रॉब्लम एट्सेट्रा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऑल दीज इशूज. देन दे विल ऑल्सो रिड्यूस द टाइप ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्स डिप्लॉयमेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन. जैसे कि जो पैरामिलिट्री है वो इलेक्शन में ही इलेक्शंस ही करवाती रहती है, सो दे कैन बी यूज, दोज ह्यूमन रिसोर्सेज कुड बी यूज फॉर अ बेटर पर्पज, राइट. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. सो दीज आर द पॉजिटिव्स. देन लेट्स लुक एट द कॉन्स. कॉन्स में आप ये कह सकते हो, इट लीड्स टू एन इफेक्ट विच एसेंशियली लीड्स वोटर्स टेंडिंग टू चूज सेम पार्टी, ठीक है. वोटर्स क्या होते हैं, वो सेम पार्टी ही चूज करेंगे. लेट्स से ऐसी टेंडेंसी है, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली. फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि इट विल एक्चुअली वीकन द फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटी. वो ये कहते हैं कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं वो लार्जर नेशनल पार्टीज को बेनिफिट करेंगे रादर देन द स्टेट रीजनल पार्टीज, ठीक है. ठीक है, इन केस ऑफ ए नेशनल वेव इन फेवर ऑफ लार्ज नेशनल पार्टीज, ठीक है. तो इसलिए जो हमारा फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको थोड़ा नुकसान होगा. तो एक तरह से इवेंचुअली क्या होगा, जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज हैं वो फ्लैटन आउट हो जाएंगी विद टाइम. उसके बाद देखो, ये मोर ऑफ अ चैलेंज है रादर देन अ कॉन. देन वी हैव टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द लॉज लाइक RPA टू फिक्स द टर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड टू इंश्योर दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड, ठीक है, शुड ऑल्सो प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव गवर्निंग अरेंजमेंट. इसमें कहते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है तो एक गवर्नमेंट सीजेस टू बी इन पावर. तो एट द सेम टाइम को ऑल्टरनेट गवर्निंग अरेंजमेंट होना चाहिए. लेट्स से देयर शुड बी अ कॉन्फिडेंस मोशन फॉर अनदर पार्टी और समथिंग लाइक दैट. सो दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट. उसके बाद हमें बहुत सारे EVMs चाहिए, ठीक है, पर्सोनल चाहिए कि एक टाइम पे हम डिप्लॉय कर पाएँ, सिक्योरिटी कंपनीज, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू पोज अ चैलेंज टू द ऑपरेशनल फीसिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. सो सी, द प्रेजिडेंट हैज सेड दैट द टाइम हैज़ कम फॉर अ सस्टेन्ड डिबेट एंड अ कॉन्सेंसस ऑन साइमल्टेनियस पोल्स. सो इवन इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग, ठीक है, EC ने भी बोल दिया है कि हम करवा सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस, बट एट द सेम टाइम अगर आप अभी नहीं भी उस पर डेल्व करें, सो एटलीस्ट एक डिबेट शुरू हो जाए ताकि कंसेंसस आ जाए कि साइमल्टेनियस पोल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है. देन सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिटिकली डिस्कस वेदर इंडियाज डिफेंस बजट इज इनफ और नॉट, राइट. सो देखते हैं. सो इंडिया हैज़ दिस वेरी यूनिक डिस्टिंक्शन कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर डिफेंस प्रोक्योरमेंट, राइट. सो इट गिव्स अ इम्प्रेशन दैट अ लॉट ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, वेपन, सेंसर्स, ठीक है, ये परचेज हो रहे हैं फॉर ऑल द 3 सर्विसेज. अब अगर हम देखें कि इंडिया की क्या डिफेंस
spending hai with respect to the other countries. Most countries, they spend 2 to 2.5% of their GDP on defense, right? China and Pakistan bhi consistently spend karte hain over 2% of their GDP. Last budget, theek hai, India's defense spending was 1.63%, which is lowest in the past 50 odd years in terms of percentage of GDP. So yehi kaha jata hai ki India ko at least 2% tak to lena chahiye, leke aana chahiye apna defense budget, right? The present budget, the defense outlay works out to be about 1.58% of the projected GDP, okay, which is also the lowest such figure since the 1962 war with China. So if we compare with other countries, compare our budget, hai, defense budget is very less. So this is a problem. Uske baad, dusri problem kya hai? Major part of the defense budget is taken up by the revenue expenditure. Capital acquisition ke liye bahut kam bachta hai, right? So, uske baad implementation of 7th Central Pay Commission, One Rank, One Pay, thik hai, wo उस वजह से क्या होता है जो revenue expenditure है ठीक है जो salaries वगैरह हैं जो pensions हैं they take up all the money or major chunk of the defense budget right जो capital acquisition है वो बहुत ही कम है also committed liabilities arising out of the contracts already signed ठीक है तो जो हमने contracts already sign किए हुए हैं उनकी भी कुछ liabilities हैं जो हमें देनी है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा defense budget खा जाती हैं so जो money available for the new projects है that is very less ठीक है out of the total defense budget of 2.74 lakh crore can you imagine only 8,000 crore is left for the new projects or for new capital acquisition so this is also one major problem we need to take care of so only 3.6% is available for the modernization, ठीक है? और वो भी तीनों armed forces की for an year. तो ये तो बहुत ही कम है. अब इसका impact क्या है? देखो, इसमें क्या होता है कि जितनी जो तीनों services हैं, ठीक है? तीनों में ठीक है आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में इक्विपमेंट की कमी है शॉर्टफॉल है ठीक है अब इंडियन नेवी हैज रिक्वेस्टेड नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स सबमरीन्स एटसेट्रा वो नहीं है उनके पास इंडियन एयरफोर्स हैज बीन अवेटिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइटर्स एज replacements despite the induction of 36 Rafale 83 indigenous Tejas fighters by 2025 the Air Force will have only 31 squadrons of fighters as against the overall requirement of 42 right aur uske baad Indian Army ki agar baat kare to wo to obsolete equipment mein hi chal rahi hai theek hai they have requested for the compact vehicles but itne kam budget mein how can you even imagine ki capital acquisitions ho jaye right so cost of these proposals is more than $3 billion USD, that is more than 20,000 crore each. And all of these equipment are required to be manufactured in India, jisse ki aur zyada cost pad jati hai, right? So what the government has been doing, so there has been impetus towards Make in India. DPP has been amended to facilitate Make in India, right? A new chapter on strategic partnership has been introduced with the aim of achieving self-reliance in defense manufacturing, okay? So basically, hamare paas, we need to attain self-reliance. Uske liye government has been working. But obviously, iske saath bhi challenges to honge. The problem with setting up a manufacturing facility for any product is that it costs much less when bought off the shelf than when manufacturing it. राइट तो ये भी कहा जाता है कि जब आप सेटअप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना तो इट एक्चुअली कॉस्ट मच लेस ठीक है अगर आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बाय करते हैं ऑफ द शेल्फ इट विल कॉस्ट मच लेस देन ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर इट ठीक है तो अभी जो आपकी इमीडिएट नीड्स हैं आप उन्हें तो फुलफिल करें उसके बाद यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग देम राइट सो दिस इज ड्यू टू द इनहेरेंट कॉस्ट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट ठीक है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस Make in India in defense that is very high. So what India needs to do? So पहली तो चीज़ है कि invest बहुत ज़्यादा करना है अगर उसे self reliance करना है defense manufacturing में ठीक है So it will not only benefit the armed forces but the nation as a whole. Armed forces they need to make do with mostly obsolete equipment ठीक है 2% of GDP तो देना ही बनता है defense को right?
और उसके बाद ग्रेजुअली आप इसको एप्रोप्रिएट लेवल पे ले कि जो भी आपकी नीड्स हैं ठीक है वो पूरी हों. ठीक है, इट नीड्स टू बी डन अर्जेंटली, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द आर्म्ड फोर्सेस बट ऑल्सो टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग पार. ठीक है, सो दोनों चीज़ें हैं. अभी जो इमीजिएट नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करना है, एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट, ताकि वो सेल्फ रिलायंस ले पाए. बट हाँ, आप उसको लॉन्ग टर्म टारगेट मान सकते हैं, राइट. उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन हाउस मैकेनिज्म्स फ्रॉम क्लीन जुडिशरी. देखिए, जुडिशरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. सो इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसके पॉइंट्स को एलैबोरेट कर सकते हैं. देखिए, जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कम्बर्सम, वेरी एलैबोरेट. सो यू कैन यू नो, जस्ट टू इंक्रीज द वर्ड लिमिट, यू कैन एक्चुअली राइट वन और टू लाइन्स कि क्यों इतना एलैबोरेट है. तो इसीलिए इन हाउस मैकेनिज्म्स, देखो, नो जज हैज बीन इंपीच्ड अंटिल नाउ. अब क्या है, वो कैसे कह रहे हैं कि इन हाउस फाइंडिंग्स हैं, तो अगर आप इन हाउस में फाइंड करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, जजेस ने करप्शन करी है या उन्होंने कोई वर्डिक्ट गलत किया है, तो इट विल एक्चुअली हेस्ट इन द प्रोसेस एंड देन द पार्लियामेंट कैन एक्चुअली बी अशोर्ड कि दे कैन नाउ इम्पीच. ठीक है, तो एक तरह से वो हेस्टन ही करेगा. उसके बाद जो प्रोसेस है, लेट्स से पार्लियामेंट में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो मिसयूज हो फॉर पार्टिसन एंड्स. ठीक है, इफ द लेट्स से द पार्टी इन पावर वांट्स टू फेवर अ पर्टिकुलर जज, तो वो मिसयूज है वो कम हो जाएगा बिकॉज इन हाउस फाइंडिंग्स ने अगेंस्ट बोला होगा, राइट. उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, जो जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, तो यू नीड टू एक्सपेक्ट द जुडिशरी टू करेक्ट इट्स ओन यू नो शॉर्टकमिंग्स, राइट. क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि लेट्स से कोई क्योंकि ऑब्वियसली जुडिशरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आर कंट्री, है ना, और तो इसीलिए दे शुड ऑल्सो सेट अ प्रेसिडेंट, है ना, अपनी इन हाउस फाइंडिंग्स के साथ. जो भी उनके साथ रॉन्ग डूइंग्स कर रहे हैं, अगर जजेस कर रहे हैं या कुछ गलत हुआ है, ताकि दे कैन एक्चुअली सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द होल ऑफ द कंट्री. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो बहुत फ़ायदे हैं कि इन हाउस मैकेनिज्म्स हो, रादर देन आप बाहर जाएँ, है ना, फॉर सीकिंग सम यू नो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी जज के साथ आप बाहर जाएं, उससे बेटर है कि आप इन हाउस मैकेनिज्म से ही ट्राई एंड क्लीन द जुडिशरी, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई वुड रियली वांट यू टू राइट मोर आंसर्स. ठीक है, और बाकी मिलते हैं जल्दी ही.